अभी जस्ट फेस को वॉश करके आई हूँ। वर्ल्ड बेस्ट स्किन वाइटनिंग अगर फेस पैक कोई है तो ये है वर्ल्ड बेस्ट स्किन वाइटनिंग पैक, यानी कि आपके ब्लैक हेड वाइट हेड सबकी परेशानी को दूर करने वाला है। अगर किसी शादी पार्टी में जाने की प्लानिंग है और पार्लर नहीं जा सकते हो, वैसे तो अभी वैसे भी नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर पार्लर खुल जाते हैं और अगर जाने का टाइम नहीं है तो बस ये वाले पैक आप लगा लो। वीक में 3 to 4 days लगा सकते हो या फिर पर डे आप 7 days लगाओ, देखो कि आपकी स्किन कितनी वाइट हो जाती है और कितना आपके स्किन में ग्लो आ जाता है। तो चलिए, वाइट पे स्किन पे ग्लो आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एकदम से सांवले हो तो एकदम से मिल्की वाइट हो जाओगी, आपकी स्किन टोन जो है 1 से 2 tone तक फेयर हो जाएगी। तो अब तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है, तो 100% इस वीडियो को देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दे, बाजू में ही एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, मैं इंस्टाग्राम पे भी जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से हूँ और सिमसिम स्टोर पे भी मेरे वीडियोज हैं, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो बात कर लेते हैं आज के पैक की। तो हाँ, ये जो फेस पैक है ये बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है, सारे फेस पैक मेरे बेहतरीन होते हैं, उसमें से एक ये भी है। अगर आपको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए कहीं भी शादी ब्याह या फिर अभी तो कुछ है नहीं शादी ब्याह वगैरह, तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए कभी भी फ्यूचर में, कभी कहीं बाहर जाना है या फिर किसी भी कारणवश अगर आप फेशियल नहीं करा पाते हो लेकिन फेशियल वाला ग्लो आपको चाहिए कि वो 1000-2000 rupees का जो फेशियल कराते हैं वो वाला ग्लो मेरी स्किन पे आ जाए, तो ये पैक मार्वेलस रिजल्ट देने वाला है, यानी कि इंस्टेंट फेयरनेस देने वाला है और इंस्टेंट जो है आपकी स्किन में ग्लो लाने वाला है। कलर कोई भी हो वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन ग्लो अगर कम है तो वो आपकी स्किन में रहना बहुत ज़रूरी है, तो ग्लो लाने वाला है और ये बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है। तो आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे और बनाने के बाद इसको लगाते कैसे। इंस्टेंट फेयरनेस अगर चाहिए, इंस्टेंट फेयरनेस मीन्स कहीं अगर बाहर जाना है और आपको लग रहा है कि आपकी रंगत कम हो गई है, तो ये पैक आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखलाने वाला है, देने वाला है। तो इसको बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इन्ग्रीडियंट लगने वाला है वो है मैदा, ठीक है। तो 1 spoon के करीब में आपको मैदा लेना है। मैदा क्या करता है, स्किन वाइटनिंग में, ब्राइटनिंग में, और अगर आपके मतलब अगर आपकी रंगत कम हो गई है तो उन सब को ये बहुत अच्छे से निखारता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो आपको मैदा ले लेना है, वो आपको ले लेना है। सेकंड जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है राइस फ्लावर, और राइस फ्लावर क्या है, बेस्ट स्किन वाइटनिंग माना गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की अगर आपको परेशानी है तो उन सब की परेशानी को ये दूर करता है और बस बेस्टम बेस्ट है। तो सेकंड जो हो गया ये राइस फ्लावर हो गया। सेम क्वांटिटी में आपको लेना है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, यानी कि जितने में आप अगर हाफ स्पून अगर राइस फ्लावर ले रहे हो तो हाफ स्पून ही आपको मैदा लेना है, अगर आप 1 spoon ले रहे हो तो 1 spoon आपको मैदा लेना है, अगर आप 10 spoon मैदा ले रहे हो तो 10 spoon ही आपको राइस फ्लावर लेना है, मतलब क्वांटिटी आपको इक्वल रखनी है। अब इन दोनों को अच्छे से कर लेना है मिक्स एकदम अच्छे से। अब ये जो आपका पैक का पाउडर है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर जो ऐड करने वाली हूँ वो है हनी। अच्छा, हनी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फाइन लाइन रिंकल्स इन सब के ऊपर हनी काम करता है और मुझे बहुत सूट करता है, तो मैं हनी जो हूँ थोड़ा डाल रही हूँ। तो हनी जो अगर आपको लेना है तो 1/4 लेना है, यानी कि हाफ स्पून का भी हाफ ले लेना है आपको। उसके बाद जो इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है रोज वाटर, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। तो रोज वाटर भी मैं तकरीबन 1 spoon के करीब में
वन स्पून के करीब में मैं रोज वाटर डाली हूँ। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन बेस्ट मॉइस्चराइजर माना गया है, और अगर आपको गुलाबी निखार चाहिए तो उसमें रोज वाटर को महारत हासिल है। अब जो इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली, अब आता है लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है टमाटर। और टमाटर जो है वो ओपन पोर्स की परेशानी हो और अगर आपके स्किन में ग्लो नहीं है तो इन सब को लेकर के आता है। तो आपको क्या करना है, टोमेटो का अच्छे से जूस जो है इसके अंदर ऐड करना है। हाफ टमाटर इसका आपको जूस इसके अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करना है आपको। फेस पैक बन के हो गया है रेडी, अब इसे अपने फेस के ऊपर लगाते हैं। फेस पैक बन चुका है, अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, सब स्किन को चलने वाला, सेंसिटिव हो। इन सेंसिटिव स्किन वाले थोड़ा पहले पैच टेस्ट कर लें फिर लगाएं, क्योंकि सबको सब कुछ सूट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसे लगाते हैं। वाटर स्प्रे की हूँ और ये कंपलसरी नहीं है, मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं स्प्रे की हूँ। इसे अपने फेस पे लगाते हैं, आप इसे अपने नेक पे भी लगा सकते हो। जहाँ तक आप पूछेंगे कि इसको स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, तो इसको बना करके 2 दिन तक स्टोर फ्रिज में कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में नहीं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन इसको बनाना उतना मुश्किल नहीं है, तो अगर आप डेली फ्रेश बनाते हो तो ज्यादा बेटर है। Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy, watch you bend that back for me, we won't stop, got your feet both locked, you get to fly with me, I can take you down for a ride, I take you around my ये लग चुका है। इसको सूखने में 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, लगने वाले हैं। जब ये सूख जाता है उसके बाद इसका रिजल्ट आप सबके साथ। जस्ट अभी फेस को वॉश करके आई हूँ और मेरी स्किन, आप देखो वर्ल्ड बेस्ट स्किन वाइटनिंग अगर फेस पैक ढूंढ रहे हो ना तो ये फेस पैक है। आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड सबकी परेशानी को दूर करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर है मैदा और इसके अंदर है राइस फ्लावर, और दोनों जो है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को खत्म करते हैं। तो अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की अगर परेशानी है आपको तो वो आराम से जो है आपके खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन बहुत जिनके बहुत ज़्यादा जिद्दी वाले हैं, बहुत के बहुत वाले बहुत ज़्यादा जिद्दी वाले होते हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े पॉइंटेड हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, आपको अगर वीक में अगर आप एक बार स्टीम लेते हो, यानी कि किसी भी भगोने में अगर आपके पास स्टीमर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो और भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास स्टीमर है तो भी मैं डोंगे में ही लेती हूँ। तो अगर आपके पास कोई भगोना है तो उसके अंदर आप पानी डाल दें, और कैसे प्रॉपर स्टीम लिया जाए इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको सारे जो है आपको वीडियो जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक भगोना ले लें, उसके अंदर पानी डाल लें और आप स्टीम ले लेते हो 2 से 3 मिनट, और उसके बाद कोई भी पतला टॉवेल ले लेते हो, कोई भी ख़राब सा टॉवेल जो खुरखुरा सा हो गया हो, उससे अगर अपने नाक को पूरा ऐसे नोज के ऊपर अगर हल्का सा ऐसे प्रेशर देते हो ना, आपकी स्किन जो है ब्लैक हेड्स की जो परेशानी है आपको दूर हो जाएगी। मोस्टली ब्लैक हेड्स यहाँ होते हैं फिर यहाँ होते हैं, तो यही होते हैं ना। तो आपको वीक में एक बार आप वो कर लो, स्टीम ले लो, और स्टीम लेने के बाद आप क्या करो, इस पैक को लगा लो। 7 डेज में आपको विजुअल जो है वो रिजल्ट दिखने वाला है। बहुत बेहतरीन फेस पैक है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, लेकिन सबको सब कुछ सूट नहीं करता है। तो आप क्या करो कि आपसे बात करते करते मेरी स्किन सूख गई थी तो मैं रोज वाटर स्प्रे कर ली हूँ। तो फिर आप स्टीम लेने के बाद इस पैक को आप लगा लो, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जहाँ कहीं भी हूँ तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे अभी तक मेरे ब्लॉगिंग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। लेकिन मैं थोड़ा बोरिंग लाइफ जीती हूँ तो बोरिंग लाइफ के वीडियोज़ हैं, तो अगर आप बोरिंग लाइफ देखना चाहते हो तो बोरिंग मेरे वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।